नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे कि आपने शुरुआत में ही रील्स देखा है, तो उस तरीके की रील्स कैसे बनाए जाते हैं और अपने फोटोओं को एक साथ रखकर उस पर म्यूजिक कैसे लगाई जाती है, बहुत ही बढ़िया तरीके की अमेजिंग रील्स कैसे बनाई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगर आप लोगों के पास VN ऐप नहीं है तो पहले तो आप उसे डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर से VN ऐप आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास है तो VN ऐप ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप VN ऐप ओपन करेंगे, यहाँ ओपन होकर प्लस के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ जो भी फ़ोटो वीडियो आपको एडिट करना है उसको चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फ़ोटो रखा कहाँ है वो पता होना चाहिए। तो ऑल पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पर अपने माई फ़ोटोज़ में फ़ोटो है मेरे, तो वहाँ से मैं अपने फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ अपने 8 फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए, अब यहाँ एरो पे क्लिक करके आगे आ जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, आप लास्ट वाला जो है इसको आप डिलीट कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन लेंगे और यहाँ डिलीट के ऑप्शन से इसको डिलीट कर देंगे। अब इस पर हम आप लोगों को बता दें, जो प्लस के आइकन है यहाँ से आप इस पर बहुत बढ़िया तरीके से ये लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जूम इन ऑप्शन है, जूम आउट है, रोटेट है, रिवर्स है, ठीक है, डिजॉल्व है, ब्लर है, इसका ब्लर में आ सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। इनका स्लाइड लेफ्ट राइट ऐसे वाइप कर सकते हैं इनको, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो अभी हमने आपको बता दिया और ये आप सारे फ़ोटोज़ पे लगा सकते हैं। देखिए सभी फ़ोटो पर दिया गया है प्लस का आइकन, ये देखिए यहाँ भी हम लगा सकते हैं, सभी फ़ोटोज़ पे लग जाएगा। और आप लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ पर फिल्टर भी है। अगर आपको फिल्टर यूज करना है तो अभी सभी फ़ोटोज़ पर अपनी फिल्टर तुम यूज कर सकते हो, तो आप यहाँ पर फिल्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो जितने में भी प्रो दिया गया है, ऊपर देखिए लिखा हुआ है प्रो, इन प्रो को मतलब है आपको पे करना पड़ेगा तभी वो फिल्टर का यूज आप कर पाएंगे। यहाँ से आपको अगर लगाना है तो कोई भी फिल्टर आप चूज़ कर सकते हैं और यहाँ टिक कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे, देखिए यहाँ फिल्टर लग गए, इसमें नहीं लगा, जिसमें आपको लगाना है लगा सकते हैं। यहाँ फिल्टर पर क्लिक करके और इनकी, और अगर आपको इफ़ेक्ट्स भी लगाने हैं, इफ़ेक्ट्स का मतलब ये देखिए यहाँ पर इफ़ेक्ट्स लिखा हुआ है, आप इफ़ेक्ट्स यूज कर सकते हैं। ये रहा, स्पिन करके रहा, ठीक है, फ्लैश कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, इनकी जो लेंथ है वो भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा, हमको जैसा जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे हमें यहाँ पर हमने लगा दिया जिटर डाउन, तो जिटर डाउन देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ प्ले कर सकते हैं आप, यहाँ पर प्ले करके देख सकते हैं आप लोग कितना बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देखिए ये लग चुका है, ये देखिए, ठीक है। आगे वाले में हमको कोई इफेक्ट्स लगाना है तो हम वहाँ पे कोई इफेक्ट्स चूज कर लेते हैं। तो हम लोग फ्लैश का यूज कर लेंगे या फिर जिटिल का यूज करते हैं और उसकी लेंथ घटा बढ़ा अपने हिसाब से सकते हैं, या फिर ओके कर लेंगे। अगर आपको ये एक ही फिल्टर सभी पे लगाना है तो मान लो अगर हमको कौन सा है, जिटर लेफ्ट जो है या फिर सेक है ये सब पे लगाना है, तो सेक पे ओके करेंगे और यहाँ अप्लाई टू आल कर देंगे, ये सभी फ़ोटोज़ पे हमारे लग चुका है। तो आपको जो भी इफेक्ट्स बढ़िया लगे आप यहाँ से लगा सकते हैं। और अगर आप फिल्टर बदलना चाहते हैं फ़ोटोज़ का, तो यहाँ से फिल्टर पे क्लिक करके फ़िल्टर चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इसमें म्यूजिक ऐड करना है तो यहाँ म्यूजिक पे क्लिक करके आप यहाँ पर इफ़ेक्ट से जाकर, अभी इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं जैसे कार्टून वार्टून वगैरह होते हैं, यहाँ से फनी वगैरह जो भी आपको यूज करना है, यहाँ से व्हीकल्स जो भी यूज करते हैं वेदर का, तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं इफेक्ट। नहीं तो अगर आपको म्यूजिक करना है तो इस पर क्लिक करके आप म्यूजिक पे जा करके, यहाँ पे सारे म्यूजिक रखे हुए हैं, जो भी म्यूजिक आपको लेना है यहाँ ले सकते हैं। फिर प्लस के आइकन क्लिक करेंगे, यहाँ म्यूजिक लाइब्रेरी आ गए हैं, म्यूजिक लाइब्रेरी से आप जो भी आपके पास म्यूजिक हैं वहाँ से इनका यूज कर सकते हैं, या फिर आप प्लस के आइकन पे दोबारा क्लिक कर
किसी भी वीडियो से आपको म्यूजिक लेना है तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर क्लिक कर देंगे। इसमें होता यह है कि आपको किसी भी वीडियो की अगर आपको वॉइस को यहाँ पर यूज करना है, उसमें जो म्यूजिक यूज हुई है उसका प्रयोग करना है, उस पर सिंपली हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करके ही ओके क्लिक करेंगे। जैसे आप करेंगे ओके, यहाँ पर आ गया है ऊपर ही, इस पर चूज के ऑप्शन पर क्लिक करके आप क्लिक कर सकते हैं। हम चूज करके आप लोगों को दिखा देंगे। यहाँ पर चूज करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ प्ले करके भी सुन सकते हैं, लेकिन हम प्ले करेंगे तो यहाँ पर कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर ओके कर देते हैं। देखिए म्यूजिक के साथ भी चलेगा, आप लोग म्यूजिक सुन सकते हैं, लेकिन अभी मैंने म्यूजिक बिल्कुल डाउन किया हुआ है तो आप सुन नहीं पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ओरिजिनल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेम रेशियो, आप इसका फ्रेम रेशियो भी बदल सकते हैं। आपको जहाँ भी डालना है, जैसे 3:4, 2:3, 9:6, वैसे हम लोग 9:6 में ही करके यहाँ पर आगे इसको सेव करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ऊपर, और यहाँ इसकी क्वालिटी घटा बढ़ा सकते हैं हम। जैसे 4K रख देंगे, 4K रख के यहाँ पर ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पर देखिए डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। जैसे ये 100% हो जाए, ये आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। अभी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, अभी इसको डाउनलोड होने दीजिए। तो देखिए दोस्तों ये 60% हो चुका है, अभी थोड़ी देर और लगेगा बस। तो बहुत ही ऐड आएगा, इसको स्किप कर देना है। अब यहाँ से पूरा हम कट करके आपको अभी गैलरी पर दिखाएंगे। गैलरी जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर शुरुआत में देखिए, सबसे पहले आप लोगों को दिख जाएगा, ये देखिए पूरा बन के आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ऐसे रील्स बनाना कितना सिंपल था। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।